नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित कुमार और आज किस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप जो है इस वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद ही समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, वो एक साल पहले जो है वीडियो अपलोड किया था। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो पर जो है एक भाई ने कॉमेंट किया, भाई इस प्रकार की इस टॉपिक पर जो है वीडियो पूरा क्लियर करके बताओ कि हम इस प्रकार के जो है वीडियो कैसे बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसी टॉपिक को जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, उसमें जो है मैं मतलब ये बता दिया था कि मतलब इस प्रकार की मतलब वीडियो कैसे बनाएंगे, तो उसमें मैं पूरा क्लियर नहीं कर पाया था कि मतलब पूरा इसमें एडिटिंग वगैरह किस प्रकार से कीजिएगा तो मतलब इस प्रकार की वीडियो आप बना पाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करके बता दूंगा कि किस प्रकार से जो है उस प्रकार की वीडियो बना पाएंगे, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर साइड में प्ले करके दिखा दे रहा हूँ इस प्रकार की जो वीडियो आप कैसे बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो थोड़ा बहुत प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि आप भी बना पाएंगे इस प्रकार की कॉमेडी वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं ये वायरल भी होते हैं वीडियो, ये मतलब इनके सब्सक्राइबर भी बहुत हैं मतलब। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए मतलब कैसे बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं सीधे जो है अपनी टॉपिक को लेकर चलता हूँ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स हमारे चैनल के रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, सीधे मैं जो है अपनी टॉपिक में लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर ने इस वीडियो के लिए कमेंट किया था जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी है मतलब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं जो बता दे रहा हूँ सीधे आपको किस प्रकार से जो है आपको वीडियो बनाना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमारे को क्या करना है, हमारे को एक मोबाइल स्क्रीन चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम मोबाइल स्क्रीन ओपन नहीं करेंगे तो हम आपको किस प्रकार से बता पाएंगे कि हम इस प्रकार की वीडियो कैसे बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो हमारे को क्या करना होगा, मोबाइल स्क्रीन ओपन करना होगा। मोबाइल स्क्रीन में चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस के साथ बताऊँगा किस प्रकार से जो है आप उस प्रकार की वीडियो बना पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लिया हूँ। तो आपको भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन को सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कुछ मेरे भाई ऐसे भी बोल रहे थे कि हम एक्ट्रेस का इमेजेस कैसे डाउनलोड करें और किस प्रकार से उसमें एडिटिंग वगैरह करके जो है हम अपनी कैनमास्टर में एडिटिंग करें। तो इस वीडियो में जो मैं पूरा प्रोसेस के साथ बताऊँगा फ्रेंड्स, किस प्रकार से आप इमेजेस डाउनलोड कीजिएगा, आपके फ़ोन में इमेजेस वो कहाँ से आएंगे और PNG इमेजेस उसको कैसे बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इमेजेस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमारे को ओपन करना होगा क्रोम ब्राउज़र। तो इस प्रकार से मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें आपको सर्च बार में टाइप करना होगा, आपको जिस किसी के भी मतलब इमेजेस चाहिए उस एक्ट्रेस का या जो भी मतलब चाहिए उसका नाम आपको लिख देना है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे चाहिए खेसारी लाल का PNG इमेजेस चाहिए, तो मैं इस प्रकार से लिख दिया खेसारी लाल PNG इमेजेस, खेसारी लाल PNG इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ इसके बाद जो है आपको अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप कर लेना है कि आप किसका PNG इमेजेस लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से टाइप करने के बाद सिंपली सा सर्च कर देना है, सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा इमेजेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्या करना होगा, ये इमेजेस वाला यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ इमेजेस नहीं दिखेंगे, उस इमेजेस पर आपको भी क्लिक कर देना है जिस इमेजेस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सिंपली सा फ्रेंड्स, मैं इस इमेजेस को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे को डाउनलोड कैसे करना होगा, इस पर जो है थोड़ी देर हमारे को क्लिक करके रखना होगा। क्लिक करके रखिएगा तो यहाँ पर हमारे को ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिला है ओपन इमेजेस इन न्यू टैब, यहाँ पर प्रीव्यू इमेजेस, कॉपी इमेजेस और डाउनलोड इमेजेस, यहाँ पर सर्च विथ गूगल लेंस न्यू शेयर इमेजेस। तो यहाँ पर हमारे को क्लिक करना होगा डाउनलोड इमेज पर। जैसे ही डाउनलोड इमेज पर क्लिक कीजिएगा तो ये इमेज जो है यहाँ पर आपसे यहाँ पर कंफर्म पूछेगा कि आप इस इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, सिंपली सा जो है हमारे को इस प्रकार से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किया तो इमेजेस जो है डाउनलोड हो जाए और इसके बाद हमारे को क्या करना होगा, इसको जो है PNG इमेजेस बनाना होगा। इसका सिर्फ जो है हमारे को सर लेना होगा, यानी पूरा काट उठ के सिर्फ सर लेना होगा। काटना कैसे है, तो फ्रेंड्स हमारे को सिंपली सा जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, बैकग्राउंड इरेजर। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाकर जल्दी इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार से जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से मिलेगा और इसको जो है यहाँ पर हमारे को लोड है फोटो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किया जाए तो इसके बाद जो है वो इमेजेस सेलेक्ट कर लेना है जो हमने अभी डाउनलोड किया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है मैं इस इमेजेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमारे को सिंपली सा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारे को ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो स्टार वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर बैकग्राउंड के पीछे इसको लाकर छोड़ देना, जैसे ही छोड़ दीजिएगा तो ये बैकग्राउंड इसका हट जाएगा। तो हमारे को लेना है सिर्फ इनका सर, तो सर के लिए हमारे को क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैनुअल पर क्लिक करना होगा। मैनुअल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है हमारे को इस प्रकार से क्या करना होगा, यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा लेना है आपको और इसको सिर्फ आपको सर को क्रॉप कर लेना है। इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से सब कुछ देख लेना होगा कितना क्रॉप करना हो आपको, मतलब पूरा आपको जो है अपने हिसाब से अच्छी तरह से जो है इस प्रकार से आपको क्रॉप कर लेना होगा। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने क्रॉप कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रॉप हो चुका है और इसके बाद हमारे को क्या करना होगा, इसको पूरा जो है इसके
जो भी है वो बॉडी, उसको भी इस प्रकार से इरेज कर देना होगा। तो इस प्रकार से इरेज करने के बाद सिंपली सर जो है आपको क्या करना होगा, इसको इस प्रकार से जो है आपको सेव कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको ओपन करना होगा पिक्सेल वेब एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पिक्सेल वेब एप्लीकेशन भी मैंने ओपन कर लिया। और पिक्सेल वेब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है हम आपको इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को टेक्स्ट को करना है डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो इमेजेस लेना है जो कि हमने अभी PNG इमेजेस में यहाँ पर क्रॉप करके कटिंग करके पूरा यहाँ पर सेट किया है। तो यहाँ पर वो आ चुका है, यानी सिर वाला जो कि जैसे कि मैं बताया था वो यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको अच्छी तरह से क्रॉप करके और इस पर जो है यहाँ से जो है मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। इस प्रकार से पेस्ट करने के बाद हमारे को क्या करना होगा, बैकग्राउंड पर क्लिक करना। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे को सेलेक्ट करना होगा ग्रीन कलर। तो इस प्रकार से मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको भी जो है ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करके जो है इस इमेजेस को जल्दी से सेव कर लेना है। फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लॉन्ग होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ किस प्रकार से जो है आप इस प्रकार की कार्टून वीडियो बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर इसके बाद जो है हमारे को क्लिक कर देना होगा होम स्क्रीन। और होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली सा जो है इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ और यह प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इस प्ले स्टोर पर और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अंतर बता दे रहा हूँ। ये जो जब आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो जो है अब काम कीजिएगा तो फ्रेंड्स इसमें जो है रुक रुक के जो है काम करेगा जब प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा। अगर मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं तो वो उसमें पूरा क्लियर जो है काम करेगा। तो फ्रेंड्स सिंपली सर जो है मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर दे रहा हूँ, आपको भी मेरे डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ वहीं से भी डाउनलोड करके सिंपली सा इंस्टॉल वगैरह सब कुछ करके जो है सिंपली सा इस प्रकार से ओपन कर देना है। ओपन कीजिएगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर टेक्स्ट बहुत सारा टेक्स्ट लिख देना होगा ताकि फ्रेंड्स हमारे को लगे कि कुछ बोल रहा है। तो मैं कुछ भी यहाँ पर नाम वगैरह कुछ भी लिख दे रहा हूँ, मतलब इस प्रकार से मतलब बहुत देर तक बोले इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जो है आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली सा जो है हमारे को यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एड फेस का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आ जाएगा फेस वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे को इस प्रकार से स्पीक का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर कैमरा गैलरी सेव और शेयर। तो फ्रेंड्स आपको नीचे वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है, ऊपर आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर चेंज फेस। तो यहाँ पर सिंपली सा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर हमारे को ऑप्शन मिल जाएगा गैलरी। तो सिंपली सा गैलरी पर सेलेक्ट करके वो इमेजेस हमारे को सेलेक्ट कर लेना है जो कि हमने अभी पिक्सेल वेब एप्लीकेशन से जो है हमने से बनाया था, उस इमेजेस को जो है यहाँ पर हमारे को ले लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं उस इमेजेस को मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। और ये यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इस इमेजेस को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये इसके आंखें और यानी खेसारी लाल यादव जी के यहाँ पर आँखें जो है यहाँ पर प्लक रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे को क्या करना है इसको, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से ये बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से सिंपली सर जो हमारे को क्या कर देना है यहाँ पर स्पीक पर क्लिक कर देना है। जैसे स्पीक पर क्लिक किया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा मतलब लॉन्ग बहुत देरी से बोलेंगे उस प्रकार से क्लिप वगैरह कर देना है। आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर देख सकते हैं मतलब इस प्रकार से मैं आपको फिर से प्ले करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से जो यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है ये वीडियोस बनकर जो है ये हो जाएगा सेव। तो इस प्रकार से जो है ये सेव होने के बाद जो है हमारे को इसके बाद आपको आना होगा होम स्क्रीन पर वापस। होम स्क्रीन के आने के बाद जो है आपको ओपन कर देना होगा। अब लास्ट एप्लीकेशन ओपन करना होगा वो है एप्लीकेशन काइन मास्टर। तो काइन मास्टर सिंपली सा जो है हमारे को इस प्रकार से ओपन कर देना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसमें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे काइन मास्टर का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये काइन मास्टर एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है। तो सिंपली सा जो है हमारे को यहाँ पर न्यू क्रिएट पर क्लिक करके यहाँ पर जो है 16:9 पर सेलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले वो बैकग्राउंड इमेजेस लेना होगा जो कि यानी मतलब आप अपने हिसाब से जो है बैकग्राउंड इमेजेस लीजिएगा। मतलब सबसे पहले जो है हमारे को बैकग्राउंड इमेजेस के लिए जो है यहाँ पर फोटो एक सेट करना होगा। जैसे कि मान लो इस जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको दिखाया था कि मतलब वो सबसे पहले उसके हिसाब से आपको कुछ लड़कों का जो है बैठा कर या खड़ा होकर जैसे भी आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो उस प्रकार की सबसे पहले आपको जो है फ़ोटो खींचना होगा। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ मैंने एक फ़ोटो ली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कौन सा फ़ोटोज़ है। तो इस प्रकार से मेरा वो फ़ोटोज़ है कैमरा में। तो फ्रेंड्स वो मैं फ़ोटो दिखाऊँगा, उसी प्रकार से आपको भी मतलब फ़ोटो ले लेना होगा। तो फ्रेंड्स मेरा ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ आपको वो कौन सा इमेजेस है। तो
तो फ्रेंड्स वो इमेजेस ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेजेस है। तो इस प्रकार से मैं इसको आप फुल स्क्रीन कर लेता हूँ वीडियो के। तो फ्रेंड्स ये है जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये हो चुका है मतलब फुल स्क्रीन। इसी प्रकार से जो है आपको भी एक फ़ोटोज़ खींचना होगा ताकि फ्रेंड्स इसके बाद जो है बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ये ऑलरेडी सेव हो जाए। तो फ्रेंड्स आपके हमारे को क्या करना होगा जो है हमारे को लेयर पर क्लिक कर देना होगा। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमारे को वो वीडियो सेलेक्ट करना है जो कि अभी हमने जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स सिंपली सा जो मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ये रहा वो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लिया और इस वीडियो को जो है जूम करके इस प्रकार से आपको क्रॉप कर लेना है। तो सिंपली सा चलिए मैं यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर आपको आना होगा। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन के आने के बाद इस प्रकार से जो है आपको क्रॉप कर लेना होगा। ये ऊपर और नीचे का जो ब्लैक कलर है उसको आपको क्रॉप कर लेना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं क्रॉप कर लिया और क्रॉप करने के बाद यहाँ पर जो है राइट पर आपको क्लिक कर देना होगा। राइट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सा यहाँ पर आपको आना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर राइट साइड में क्रोमा की। इस प्रकार और राइट पर क्लिक करने के बाद सिंपली सा आपको आना होगा। और राइट पर क्लिक करने के बाद सिंपली सा जो है फ्रेंड्स आपको राइट साइड में इस प्रकार से स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर हमारे को ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला देख सकते हैं क्रोमा की का। उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये डिसेबल रहेगा, इसको आपको एनेबल कर देना है। एनेबल कीजिएगा तो ये यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है इसका हर जगह इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना होगा ताकि ये फेस जो है आपको अच्छी तरह से रिव्यू मिल सके। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा ये राइट पर क्लिक कर देना हो। राइट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो है आपको आप जिस इमेजेस में इसको लगाना चाहते हो उस इमेजेस में अपने हिसाब से सेट करके आपको लगा लेना होगा। चलिए मैं इस इमेजेस में आगे वाले में ही लगा ले रहा हूँ इसमें। और इसका जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार से ये बोल रहा है, इस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से सेट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इनका इमेजेस जो है यहाँ पर लगा लिया और इसका जो है आपको जब तक बोल रहा है वो वहाँ तक जो है आपको क्रॉप कर लेना है। यहाँ पर आपको कट कर लेना है, यहाँ पर कैची वाले के बटन पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको कट कर लेना है और इसको जो है आगे या इस प्रकार से क्लिक करके आपको कर लेना होगा। इस वीडियो को पूरा मैं आपको बढ़ाकर दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार से आ चुका है। चलिए मैं आपको अब इसको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना अच्छी तरह से बोल रहे हैं, उनका लग नहीं रहा है कि मतलब इसमें एडिटिंग किया हुआ है या कुछ भी लग रहा है। ये पूरा वही रियल वीडियो लग रहा है कि रियल में यानी ये बोल रहे हैं। तो इस ये आवाज़ वही लग रहा है जो मैं टाइप किया था, जहाँ पर मैं आपको बताया था इस प्रकार से यहाँ आपको टाइप करना है, वही ये बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर आवाज़ आपको यहाँ से आपको हटा देना होगा। आवाज़ हटाने के बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करके इसमें अपना जो है आवाज़ रिकॉर्ड कर लेना होगा। तो सिंपली सा मुझे अपना जो है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करना है तो यहाँ पर मैं अब अपना आवाज़ वगैरह नहीं रिकॉर्ड करूँगा यहाँ पर। अब तो आप खुद का आवाज़ लगा लीजिएगा आप खुद से। तो इस प्रकार से अब मैं आपको फिर से जो है प्ले में प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेजेस जो है कितना बोल रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें और आँखें भी पलक रही है। इसमें पूरा जो है एडिटिंग आपको इसी प्रकार से करना होगा अगर आप इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इतना प्रोसेस के साथ बताने के बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आप अपने YouTube चैनल के लिए कार्टून वीडियो बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर बनाए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक हो कि मतलब आपको कोई समझ में नहीं आ रहा होगा मतलब उस टॉपिक पर हमें कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के लिए कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए ऐसे न्यू अपडेट लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते चलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत।